आज एक विषय पे चर्चा करेंगे, सफलता के सॉरी सक्रियता के 21 सुनहरे नियम। ये जो इसकी एक पुस्तक भी है, इसकी वीडियो भी है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, इसका अभ्यास भी हम कई दफा करते रहते हैं। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक नया आविष्कार है, यदि हम इसको आविष्कार के जैसे मानेंगे तो। इसको हल्के में नहीं लेना है। कई बार किसी भी वस्तु, किसी क्रिया में जो रहस्य होता है वो हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी चीज को हम सामान्य मान लेंगे तो हमारे लिए सामान्य होगी, विशेष मान लेंगे तो विशेष होगी। पर इस काम को करने में और इन नियमों को बनाने में एक बहुत गहरी रिसर्च की गई है, और मैं इस किताब के बारे में, इसके बिंदुओं के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले चर्चा आज हमारी रहेगी कि ये जो नियम बनाते समय किन किन मनोवैज्ञानिक तथ्यों का ध्यान रखा गया है, विश्लेषण किया गया है, रिसर्च की गई है कि इंसान के मन की प्रवृत्तियां क्या होती है, और उसके अनुसार हमें किस तरह से अपने अभियान का जो है प्रचार करना चाहिए, अभियान के बारे में सबको बताना चाहिए। तो ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिक तथ्यों को समझते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए हैं। तो वो एक एक करके मैं आपको वो तथ्य बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहला तथ्य है, हमारी बात में कितना ही वजन हो, हमारी बात में कितना ही वजन हो, लेकिन अगर हम उस बात को सामान्य तरीके से प्रस्तुत करते हैं, या ये कह दो कि आज की दुनिया में सामान्य बातें, सामान्य ज्ञान हम कितना भी दुनिया को कहे, वो उस पे ज्यादा गौर नहीं करते, ज्यादा तवज्जो नहीं देते। सामान्य बातों पे कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। आप कोई भी प्रयोग करके देखें, वो ऐसे ही सुनेगा और ऐसे ही विस्मित कर देगा, भूल जाएगा, उस पे कोई ज्यादा। लेकिन अगर यदि कोई बात ऐसी हो जो उनको एकदम अनूठी लगे, कोई चौंकाने वाली बात लगे, कोई अद्भुत लगे कि क्या बात, ऐसा कुछ है क्या, तो जाके उसका ध्यान आकृष्ट होता है। तो इस मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए। तो सबसे पहला पॉइंट ये रखा है कि कोई बात जो है थोड़ी सी अनूठी नहीं होगी, थोड़ी सी बहुत विशेष नहीं होगी, तब तक कोई ध्यान नहीं देगा। तो इसको थोड़ा विशेष तरीके से प्रस्तुत करने के लिए और विशेष तैयारियां करने के लिए इन नियमों में ध्यान रखा गया है। ये इस किताब में सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। अपन ऐसा थोड़ा और चर्चा कर रहे हैं कि आपको पढ़ते समय इन बातों का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि यूं ही नहीं लिख दिए गए ये नियम, यूं ही नहीं बना दिए गए ये। बहुत अब हमने मेहनत की, हमने अपनी बात सामान्य तरीके से प्रस्तुत करी, तो हमारी मेहनत का ज्यादा कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा है? लोग यूं ही उसको इग्नोर कर देंगे, तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन हमारी बात कुछ विशेष लगे, तो इसीलिए हम वो वीडियो के माध्यम से और जो अति विशिष्ट बातें हैं वो कहने का इसमें सिस्टम विकसित किया गया है। दूसरा जो तथ्य है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है, दूसरा तथ्य ये है कि अगर हमारी तैयारियां कमजोर है, हमारी तैयारियां कमजोर है, हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, हमारे मतलब हम ऐसे ही, तो उनको अंदाज नहीं लगेगा कि आपका क्या मिशन है, आपका क्या अभियान है, आपकी बातों से ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जितनी अच्छी तैयारियां होगी, जितनी अच्छी सामग्री होगी, जितना अच्छा बैग होगा, जितने अच्छे प्रोडक्ट के, यानी उनको पूरा अभियान का वो जितना आप दिखा पाएंगे, तब जाके सामने वाला प्रभावित होगा। आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा अभियान है, ये तो हम जानते हैं ना, तो क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए वो इस बात का ध्यान इन नियमों में रखा गया है, और यही आपने महसूस भी किया होगा। तीसरा जो तथ्य ध्यान रखा गया है, दुनिया में क्या है कि धोखा बहुत भरा हुआ है। क्या है? धोखा बहुत भरा हुआ है। इंसान
बहुत चीजों से धोखा खाता रहता है। कुछ साथी इनकी आदत भी हो जाती है, उनको भी धोखा करना पड़ता है, चाहे मजबूरी में करो चाहे कैसे भी करो। लेकिन तो ये धोखा एक सामान्य जीवन में व्याप्त है। तो अगर हम बिना प्रमाण के पुख्ता प्रमाण, प्रमाण भी पुख्ता और बिल्कुल मतलब जिस पे डाउट नहीं किया जा सके, ऐसे प्रमाणों के बिना हम कोई भी बात करेंगे, कितनी भी प्रभावशाली करो, सामने वाले उस पे विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए प्रमाणों का होना बहुत जरूरी है। तो ये भी तथ्य को ध्यान में रखा गया है। अब आप थोड़ा सा भी गहराई में जा रहे होंगे तो आपको बातें समझ में आ रही होगी। आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं कि आप गंभीर हो जाएं। ये जो भी नियमों में एक एक बात कही गई है उसके पीछे बहुत गहरा मनोविज्ञान है, बहुत गहरी रिसर्च है, और मैं जो कह रहा हूं उसको आप अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि वाकई में ये बातें तो सही है। तो हम क्या होता है कि हम अपने दिमाग से सोच लेते हैं कि नहीं ये बहुत बढ़िया अभियान है, बहुत इसमें तो सब कुछ सच्चा है, ये इसकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे। ये तो अपन जानते हैं ना, भी अपने जानने से काम नहीं चलेगा। वो जानकारियां सामने वाले तब सुनेंगे जब इन मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी तैयारियां मजबूत होगी। चौथा जो विषय ध्यान में रखा हुआ है वो है लोग क्या है कि एक धारणाओं से ग्रसित हो जाते हैं। उनके माइंड में एक सेट है कि यार ये इस तरह के जो भी आते हैं वो थोड़ा सा इनका कुछ उद्देश्य अच्छा नहीं होता है, या ऐसी कई धारणाओं, इनके प्रोडक्ट महंगे होते हैं, इसमें कोई ज्यादा सफल नहीं हुआ जा सकता है, ये ऐसे ही काम है, ये मेरे से नहीं होगा, वगैरह वगैरह, अनेक तरह की धारणाओं से ग्रसित होते हैं लोग। तो अनेक धारणाएं अब उनको पाली हुई है, अब आप उनको तोड़ नहीं पाए। अगर ठीक से आपकी प्रस्तुति में वो चीजें नहीं है तो आपकी बातें सब उनके लिए व्यर्थ है, वो कुछ नहीं मानने वाले। तो इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी ये नियम बनाए गए हैं कि आप उनकी धारणाओं को पूरी तरह से तोड़ पाए, तभी आपकी बात को तवज्जो मिलेगी। और नेक्स्ट है, आपने अपनी बात कितनी भी प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत की हो, आपने ये जो तीन चार तथ्य बताए इनका भी निदान निकाल दिया हो, उनकी धारणाओं को भी आपने तोड़ दिया, उनको विश्वास भी दिला दिया, प्रमाण भी खुद अच्छे बता दिए, तैयारियां भी बहुत अच्छी थी, अभियान का भी पूरा उनको चित्रण करवा दिया, सब कुछ बहुत अच्छे से कर दिया, लेकिन इंसान की फितरत, फितरत तो नहीं कहेंगे, इंसान का एक मस्तिष्क का एक सिद्धांत है कि वो थोड़े दिन में कितनी भी प्रभावशाली बात हो उसको भूल जाता है। हम भी भूलते हैं, दुनिया भी भूलती है। इसलिए क्या करना होता है, किसी भी साथी को बहुत अच्छे से प्रभावशाली तरीके से करके अभियान में शामिल करो या यूजर बनाओ, उससे वो हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, ये हमें नहीं सोचना है। शुरुआती 7 दिन में विभिन्न गतिविधियां अच्छे से उनके साथ करना जरूरी है, तभी थोड़ा थोड़ा उनकी याद में थोड़ा थोड़ा उनके उसमें आएगा। हम कई बार सोचते हैं कि ये किया फिर क्या हो गया, पहले तो बहुत तैयार था, पहले तो उसने बहुत पसंद किया, वो बाद में वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उसका कारण ये होता है कि हम एक बार करके और छोड़ देते हैं, तो यही होने वाला है। इसलिए शुरुआती 7 दिन में बहुत सारी गतिविधियां हमें करनी होती है, तो ये भी इन नियमों में पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि परिणामों के बिना सब कुछ ठीक है, परिणामों के बिना ज्यादा दिन कोई भी प्रेरित नहीं रह सकता है। आपने उसको मोटिवेट किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया, वो भी सब कुछ हुआ, लेकिन अगर रिजल्ट ही नहीं आ रहे बहुत दिनों से, तो कोई परिणाम नहीं है, कोई उसका समूह नहीं पड़ रहा है, कुछ उसको थोड़ा बहुत इनकम वगैरह नहीं आने लगा है, महीने 2 महीने 3 महीने निकल गए, कुछ भी शुरुआत नहीं हुई है, तो आप उसको ज्यादा देर तक प्रेरित नहीं रख सकते। इसलिए ये भी इन नियमों में ध्यान रखा गया है कि भाई पहले जो 7 दिन के भीतर भीतर उसके समूह की शुरुआत हो जानी चाहिए, 3 दिन के भीतर भीतर, ताकि थोड़ी शुरुआत होगी, थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, और परिणाम आएंगे, बाकी सब चीजें ठीक होगी, तो एक्टिव होगा ही होगा सर, बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाएगी। आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से सारे लॉजिक समझ में आ रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, इतना हमें क्यों इतना थोड़ा सा जो हम आदत में जो पहले चल रहे थे उसको पूरा का पूरा बदल कर हमें थोड़ा सा ये गतिमान क्यों बनाया गया, हमें इतनी तैयारियों के लिए क्यों कहा जा रहा है, ये 3 दिन की क्या जरूरत है, आराम से भी तो कर सकते हैं थोड़ा। ये अनेक जो कारण है ना वो आपको अब समझ में आ रहे होंगे कि ये बहुत ही साइंस है, गहरी साइंस है, और
चलिए आगे का भी लॉजिक समझते हैं, आगे का तथ्य समझते हैं, मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या होता है। आपके उत्पाद कितने ही अच्छे हो, आपके उत्पाद कितने ही अच्छे हो, लेकिन आपने अगर प्रभावशाली तरीके से उनको प्रस्तुत नहीं किया, उनको टेस्ट नहीं करवाया, उनकी कोई जरूरी बहुत अच्छी तरह से प्रभावशाली तरीके से नहीं बताया, तो वो उत्पाद अच्छे आपके लिए है, उसके लिए वो अच्छे नहीं है, उसके लिए तो वो सामान्य है। हो सकता है वो बाजार में जो विज्ञापन देखकर जो उसके नाम दिमाग में बैठा हुआ है वो उससे कमजोर समझ सकता है, जब तक आप उसको प्रभावशाली तरीके से नहीं बताएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे, टेस्ट करवा के उसके बारे में अच्छी अभिव्यक्ति नहीं देंगे, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तथ्य है ये, और इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। प्रोडक्ट को बारे में चाहे टेस्ट करवाना हो, चाहे वो कंपेरिजन किट के माध्यम से समझाना हो, चाहे उनके उदाहरण बताना हो, चाहे आपकी अभिव्यक्ति हो यानी आपका वक्तव्य हो, सब बातें बहुत परफेक्ट होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट तथ्यों के आधार पर ये सब कुछ बनाए गए। नेक्स्ट जो तथ्य ये है कि आप, चलो आप तो नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हो, आप प्राण गीत भी सुना दिया, आपने वीडियो भी दिखा दिया, आपने वो डॉक्टर बेदी जी का भी स्पीच भी सुना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन नए आदमी की जीवन की प्राथमिकता क्या होती है? नए आदमी की जीवन की प्राथमिकता पहले यह नहीं है नए भारत का निर्माण या देश की बात, उसकी प्राथमिकता पहले, सबसे पहले वो अपने जीवन की जरूरतें हैं, वो तो उसके लिए जी रहा है, वो उसकी प्यास है अभी, वो सब बाद की बातें हैं। जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे हम, हमारे सिस्टम में आएंगे, तो हो सकता है सोच बदलेगी जो भी होगा, लेकिन और वो बातें करनी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं करनी हो, क्योंकि अभियान का जो मोटा स्वरूप है वो तो बताना ही है, लेकिन वो उससे कनेक्ट नहीं होगा, उससे उसको लगना चाहिए कि मेरे जीवन की जरूरतें इससे पूरी होती है, ये पूरी हो सकती है, मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य हो सकता है, मेरे तो बहुत सारे जो काम बकाया था वो इससे पूरे हो सकते हैं। तो वो अपन जो चार सवाल पूछना या जो बाकी सब चीजें बताना, जो जीवन के बाद की इसमें जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं, टाइम मनी का, वो सब भी जो एक सही जगह पर सही तरीके से वो सब भी बताना पड़ता है। तो और ये भी चीजें सारी इन नियमों में रखी हुई है कि आप होम मीटिंग करके उनको पहले उनके टारगेट सेट करवाओ, चार सवाल पूछो, ये हर चीज को समय के अनुसार, कि अभियान की गरिमा भी कम ना हो, हमारा जो एक बड़ा स्वरूप है राष्ट्रहित का वो भी हम प्रस्तुत करें, प्रोडक्ट को भी अच्छी तरह से प्रस्तुत करें, लेकिन सामने वाले की जीवन की जरूरतों का भी जिक्र उसमें आए। तो इस सारा नियमों में एक एक चीज को बहुत वैज्ञानिक तरीके से शामिल की हुई है। एक और जो तथ्य इसमें क्या ध्यान में रखा गया है, नए लोग जो होते हैं ना, ज्यादातर नए साथी जिन्होंने जीवन में कुछ अलग तरह से जिया, वो कुछ नया सीखने से एक डर लगता है, वो ज्यादा कोशिश नहीं, उससे बचना चाहते कि नहीं मुझे ऐसा कुछ करना ना पड़े, नया कुछ सीखना ना पड़े और ऐसे ही कुछ हो जाए, ये एक प्रवृत्ति रहती है। लेकिन सीखे बिना तो काम नहीं चल सकता है, विस्तार कैसे होगा, गुणात्मकता कैसे आएगी, और हम अकेले तो कुछ संभाल भी नहीं पाएंगे। तो वो भी इसमें बार बार इसमें जिक्र किया गया नियमों की, भाई आप उनको साथ में रखो, ये करो वो करो, सिखाओ, हल्के हल्के से शुरू करो, प्रेम से शुरू करो कि उनको कंफर्टेबल लगे, उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दो। तो ये ऐसे तथ्यों का इसमें सारा शामिल किया गया है। अब हम पुरानी आदतों के आधार पर उन तथ्यों को इग्नोर करें, वो आपकी इच्छा की बात है, बाकी इसमें कोई भी फालतू चीज नहीं है, कोई गैर जरूरी चीज इसमें कुछ भी नहीं है। एक और तथ्य जो ध्यान में रखा गया है कि कोई भी इंसान दूसरों पर निर्भर होकर थोड़े दिन आगे बढ़ सकता है, थोड़ा सा कुछ हो सकता है, लेकिन पूर्ण जीवन को सफल नहीं बना सकता। तो आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, और इसके लिए इसमें वो भी विषयों को ध्यान में रखा गया कि हर साथी को थोड़े दिनों में आत्मनिर्भर, वो कब बनेगा, जब जिम्मेदारी आएगी, जब कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वो मौका मिलेगा, तो बोलने का सबको मौका देना, सीखने का मौका देना, जिम्मेदारी देना, ये सब भी बहुत जरूरी है। समूह का जब विस्तार होने लगता है, जब हमारा समूह बढ़ जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे बड़ा होएगा तो लीडरशिप भी बढ़नी चाहिए,
केवल ऐसा नहीं कि वो केवल अपना अभियान प्रचारक तक बना रहे, फिर एक मैनेजमेंट भी देखना होता है, फॉलोअप भी करना होता है, स्मार्ट रिपोर्ट का उपयोग भी करना होता है। तो पदवी जो है वो बढ़ती रहनी चाहिए, ये भी इन नियमों में अच्छी तरह से ध्यान में, यानी इसमें बहुत दूर की सोच तक, मतलब आप आज यात्रा शुरू करो, आप डायमंड तक बन जाओ या आगे तक बन जाओ, वो सारी चीजों को बीज, किसी भी चीज का बीज आज डालेंगे तो जब जाके वो फ्यूचर में वृक्ष बनेगा। अचानक से हम जाके कि पहले 5 साल तक तो ऐसे ही किसी को चलाते रहे, उसको कुछ मौका नहीं दिया, उसको अवसर नहीं दिया, उसको जिम्मेदारी नहीं दी, और 5 साल बाद बोले कि ये इतना बड़ा साथी हो गया लेकिन ये कुछ ज्यादा करते नहीं, ये उनकी किसी की कोई गलती नहीं, ये सब हमारा तरीकों की गलती है, ये तरीकों की गलती है। नेक्स्ट जो विषय है, जब आप किसी भी साथी को कुछ भी बताते हो तो वो प्रथम दृष्टया क्या देखता है, वो आपको देखता है, आपके व्यक्तित्व को देखता है, आपके सारा जो एक लहजा है, आपका शिष्टाचार है, आपका आचरण है, आपकी जो वेशभूषा है, आपका जीवन का क्या, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका समाज में क्या स्थान है, ये सारी चीजें देखता है। तो इसलिए ये सारी चीजों पे काम गुरुकुल में भी हम करते हैं और इस नियमों में भी इस चीजों को शामिल किया गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो आई चुकी तथ्य, फिर भी मैं इसको बहुत क्लियर करना चाहूंगा। कोई भी साथी को आप आरसीएम बताते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेता है, आप थोड़ा सा, क्योंकि मनोविज्ञान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेता है। पहला डिसीजन वो लेता है कि ये प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं है, मुझे ये प्रोडक्ट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। आप कई बार आप देखा होगा अपने नए उमंग प्रोग्राम यहाँ भी करके देखा, और जब हम उसको सब कुछ समझा के उनका लेते हैं ना कुछ नए साथी, चलो आप बोलिए क्या बोलते हैं, तो आपने ध्यान दिया वो क्या बोलते हैं, वो ये नहीं बोलते हैं कि ये अभियान बहुत अच्छा है, मैं वो एक ही बात बोलते हैं कि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और मुझे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं। आप ध्यान दिया कभी आप, यानी इंसान सबसे पहला डिसीजन उसको अभी केवल ये लग रहा है कि ये प्रोडक्ट का काम है कोई और मुझे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, फर्स्ट डिसीजन उसी पे चलता है, और वो डिसीजन पक्का हो गया और वो यूजर बन गया ना, आगे के डिसीजन होना की संभावनाएं काफी बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्ट बहुत मुख्य है, पहला प्रोडक्ट का डिसीजन लेगा, फिर दूसरा डिसीजन लेगा कि मैं इस आरसीएम में शामिल हूं कि ना हूं, फिर तीसरा डिसीजन लेगा कि मैं इसमें टाइम दूं क्या, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं क्या, मेरे लिए कुछ ये काम का होगा, कम से कम थर्ड, ज्यादा स्टेप भी हो सकते हैं, फिर और ज्यादा हो सकते हैं कि मुझे, जो बहुत सारे साथी बाद में डिसीजन लेते हैं कि मुझे अभी पूरा ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप डिसीजन होते हैं। तो अगर पहला डिसीजन ही वीक है तो आगे के डिसीजन तक पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए हमें प्रोडक्ट की तैयारी में तो जो इन नियमों में बताया गया ना उससे भी ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, उससे भी ज्यादा, उससे कम नहीं, और क्या उसमें श्रेष्ठ कर सकते हैं। ये डिसीजन पक्का हो गया तो यूजर भी कोई बनेगा ना, तो आपको स्थायी यूजर बनाने में आसानी रहेगी। तो पहला एक्सपेरिमेंट, पहला चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट देने चाहिए, हेल्थ से जुड़े हुए प्रोडक्ट देने चाहिए, प्रोडक्ट बताना बहुत प्रभावशाली तरीके से चाहिए, रिजल्ट बहुत बनाने चाहिए, और शुरुआत में फॉलोअप बहुत अच्छा करना चाहिए, ये एक बेसिक है। और ये सारी चीजें हमको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी, हम कहाँ मिसिंग कर जाते हैं, कहाँ चूक कर जाते हैं। आरसीएम कोई नहीं करना चाहता ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया करेगी, पूरी दुनिया इसके साथ आएगी, बस हम कहाँ मिस कर जाते हैं उसको हमें समझना है, कहाँ हम लीडरशिप विकसित करने में या काम उनको सक्रिय करने में काम मिस कर जाते हैं, बताने में क्या मिस कर जाते हैं, फॉलोअप में क्या मिस कर जाते हैं, कहाँ हम नियमों को थोड़ा तोड़ मरोड़ देते हैं, वो आप समझ पाएंगे कि क्यों इतना सब कुछ बनाया गया है, 3 दिन का टाइम ही क्यों दिया गया है, ये 7 दिन का टाइम ही क्यों दिया गया है, पहले लिस्ट क्यों बनानी है, आपको सारी क्रियाएं समझ में आ जाएगी कि ये सब क्यों किया गया है। ज्वाइन होने के बाद निष्क्रिय होने का सबसे बड़ा कारण होता है, क्या कारण होता है, ये नहीं कि मतलब वो इनकम का और वो सब बात की बातें हैं, सबसे बड़ा कारण होता है प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नहीं बताया जाना, मतलब उसको ये दिमाग में आए नहीं कि राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल जो है इसके अलावा कोई ऑयल खाने का कोई सोचना भी नहीं चाहिए जीवन में, और वाकई में सत्य है, लेकिन हम उसको पेश नहीं कर पाए, पूरा ही छोड़ दिया, कुछ भी नहीं खरीदा,
इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यूजर तो बना रहता, चलो काम तो बहुत सारे साथी नहीं कर सकते हैं, नहीं टाइम भी नहीं होता या रुचि नहीं होती, वो संभावित है। कईयों का क्या अलग अलग तरह का नेचर होता है, वो संभावित है, लेकिन प्रोडक्ट तो हर इंसान यूज करता है। लेकिन हमने प्रोडक्ट का बताते समय कोई कमी रखी, ठीक से नहीं बता पाए, फॉलो अप नहीं किया शुरू शुरू में, क्योंकि आप ठीक से बताओगे तो थोड़े दिनों में तो भूलेगा। तो एक बार पक्का करने तक फॉलो अप अच्छा करना पड़ता है, जो फॉलो अप के तरीके में हम सीखते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है, ये हमको दिमाग में रखना है कि हम प्रोडक्ट बताने में जो भी कटौती या जो भी कमियां रखते हैं ना, उसको नहीं रखना, बल्कि इसको बहुत अच्छे से। और आज जो भी साथी सुन रहे हैं, सीनियर साथी सुन रहे हैं, तो आप इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझें, आप खुद विश्लेषण करें, और इन चीजों पे अच्छे से अगर काम करवाया जाए तो आरसीएम तो घर घर में जा सकता है, घर घर सभी सक्रिय होंगे। ये तो उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, ये व्यवहारिक नहीं है, लेकिन हर कोई प्रोडक्ट यूजर बनेगा और उससे हमारा काम हो जाता है। सक्रिय भी होने वाले हैं, धीरे धीरे सक्रिय भी होंगे, पर प्रोडक्ट यूजर सब बन जाएंगे, हो गया ना काम, और क्या करना है? सक्रिय का मतलब क्या होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत मजबूत और बहुत ज्यादा अच्छे से काम करने के विषय है सारे। तो एक और जो तथ्य इसमें ध्यान में रखा हुआ, कई बार क्या इंसान की एक आदत हो जाती है घरेलू प्रोडक्ट यूज करने की, कि वो आदत है कि जब भी प्रोडक्ट जरूरत हो वहां से लाना, या ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, ये फलाने ब्रांड का लेके आ जाना। जैसे किसी की भी कोई ब्रांड की आदत पड़ी हुई तो वो आदत बन चुकी है, सालों से बनी हुई है, तो उस आदत को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो ये भी कुछ कुछ मिलता जुलता तथ्य है प्रोडक्ट की आदत वाला। आप में से भी, और आपको आसपास आपके रिश्तेदारों में आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, आपने देखा होगा कि उनकी हैबिट बनी हुई है, आपने कभी बताया तो उन्होंने ले भी लिया, लेकिन फिर वो भूल जाएंगे क्योंकि उनकी हैबिट है, वो सिस्टम बना हुआ है। तो उस आदत को चेंज करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ऐसा बनाए कि फिर आपके प्रोडक्ट की आदत बन जाए। तो ये कुछ ऐसे तथ्य है, इन तथ्यों के आधार पर ये सारे नियम बनाए हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये नियम ऐसे ही नहीं है, मामूली नहीं है, ये किताब में भी ये सारे तथ्य लिखे हुए हैं और ये इशारे हैं, बाकी आप खुद भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। दुनिया की मानसिकता को हमें समझना होगा, मनोविज्ञान को समझना होगा, और मैं कई बार जिक्र करता रहता हूँ कि आरसीएम प्रोडक्ट का बाद में है, पहले मनोविज्ञान का कार्य है, दुनिया के मनोविज्ञान, क्योंकि आरसीएम एक्चुअल में तो हम सभी जानते हैं कि आरसीएम हर जन की जरूरत है, हर जन के जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, सारा एकदम सब कुछ रीजनेबल, सब कुछ बहुत बढ़िया, सब कुछ श्रेष्ठ, और जीवन के संपूर्ण विषयों पे, तो हर जन के लिए अच्छा है। हमारे कार्य में क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या और सुधार करने की जरूरत है, इस पे ध्यान देना है कि आरसीएम घर घर जाएगा, और बहुत सीरियसली देना पड़ेगा। हल्के में न लो, लापरवाही न करो, आज नहीं करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, आज थोड़ा कर लिया, नहीं भैया, इसमें तो बहुत गहरा हमें डूब जाना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी कार्य है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम करूंगा, इसी पुस्तक पर आगे हम और चर्चा करेंगे कि क्या क्या बातों का और ध्यान रखना, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिससे सबसे ज्यादा अभ्यास हमें करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में बिठाने की जरूरत है। ये बहुत ही पावरफुल विषय है, और एक बुक भी बहुत अच्छी है, आपको जरूर बार बार पढ़नी चाहिए, मैं कहता हूँ एक बार नहीं बार बार पढ़नी चाहिए, इतनी पढ़नी चाहिए कि हमारे रोम रोम में, हमारा हर सोच सोच में ये सारे तथ्य बैठ जाए, हमारे उन तैयारियों के प्रति एक नजरिया बदल जाए, बहुत गंभीरता आ जाए, और हम बहुत सारे साथियों को इस तरह से डेवलप कर सके, तैयार कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।